तो मैंने आपको जैसे बताया 3000 रुपये में पक्का अपना फेस रिवील करेंगे, आएंगे एक दिन 100K भी हो जाएंगे अगर आपको प्यार रहा तो, होएंगे नहीं होएंगे पता नहीं यार। गाइस सुना तुमने? और अच्छा गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का दिन देखो ऐसा कि मैंने अभी तक अपना ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, मतलब मैंने यूट्यूब पर तो अपलोड कर दिया है, सब कुछ टैग भी लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन भी लगा दिया है, पर अभी तक मैंने उसे पब्लिक नहीं कराया। इसका मेन रीज़न ये है, आज नहीं कल रात मैं कह रहा था कि कल रात बैठ करके मैंने अपना यूट्यूब का एनालाइज करा, एनालिटिक्स चेक करा उसका, तो मैंने देखा कि उसमें एक ऑडियंस का सेक्शन आता है एनालिटिक्स में, तो मुझे पता चला कि मेरे जो ऑडियंस है वो 12 बजे के बाद 4 बजे तक यानी 12 से 4 के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है यूट्यूब पे। तो ऐसा कहा जाता है कि यार वैसे ऐसे मतलब समझने वाली बात भी है कि अगर हम उस समय वीडियो अपलोड करें जिस समय हमारी ऑडियंस यूट्यूब पर एक्टिव है तो उससे हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और यार सच्ची बात तो यही है कि एक नया जो ब्लॉगर होता है या फिर नया यूट्यूबर जो होता है वो यही चाहता है कि उसकी वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ, उसे लोग देखें। तो बस आज वही ट्राई करने वाला हूँ कि अगर मैं 12 से 4 के बीच में अपलोड करता हूँ अपनी वीडियो पब्लिक करता हूँ तो उसका क्या रिएक्शन आएगा, वो सब देखने वाली बात है आज कि कितने व्यूज़ आने वाले हैं कितने नहीं आने वाले हैं। वैसे तो मेरे हर ब्लॉग पे 30-40 व्यूज़ आ जाते हैं, आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मैंने देखा कि 900 लोगों ने मेरे जो यूट्यूब का चैनल का जो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर रखी है, ऑल पर सिलेक्ट भी कर रखी है, अब ये सब कुछ हमें यूट्यूब बता देता है, तो ये सब मैंने चेक कर लिया है, उसके बाद भी मेरे 30-40 व्यूज़ आ रहे हैं, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करो। वैसे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक सस्ता सा यूट्यूब सेटअप बनाया है, अपना यूट्यूब सेटअप मैंने बनाया है तो उसमें भी थोड़ा सस्ता ही बनाया है क्योंकि अभी ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते यूट्यूब। वैसे मेरा 2500 सब्सक्राइबर हैं तो धीरे धीरे ग्रो हो ही जाएंगे, हम भी आपका भी सपोर्ट मिलता रहेगा तो धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, एक दिन 100K भी हो जाएंगे अगर आपका प्यार रहा तो, होएंगे नहीं होएंगे पता नहीं यार, चाहता तो मैं यार, लेकिन यार देखते हैं अब क्या होता है आगे चल के। हमारा काम है वीडियो बना करके अपलोड करना, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, ब्लॉग को लाइक कर जरूर कर दिया करो यार। मैंने आपको बताया था ना सामने काम चल रहा है, बस उसकी आवाज़ आ रही है बार बार, ब्लॉग को जरूर से लाइक किया करो क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है एक ब्लॉग बनाने में और सबसे ज़्यादा टाइम जाता है उसकी एडिटिंग में, ठीक है। तो आज वैसे हमारे शेरा का भी फर्स्ट बाथ होने वाला है, आज उसे पहली बार हम नहलाने वाले हैं, तो उसकी वीडियो भी अगर मैं देखता हूं, बना पाया तो बना दूंगा क्योंकि अभी ट्राईपॉड मेरे पास नहीं है, तो बिना ट्राईपॉड के आपको भी पता है वीडियो बनानी बहुत इम्पॉसिबल सी हो जाती है, तो मैं देखता हूं अगर कहीं पर ये फ़ोन एडजस्ट हो जाता है जहाँ पे शेरा को नहलाऊंगा मैं तो आपको दिखा दूंगा। आज वैसे भी शेरा का हमारा फर्स्ट बाथ है तो काफ़ी स्पेशल बाथ है उसके लिए, पहली बार आज शेरा नहाएगा। वैसे भी वो 33 दिन का हो चुका है, फिर भी यार थोड़ा सा डर लगता है कि छोटा बच्चा है कि उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि उसे कहीं ठंड ना लग जाए क्योंकि अभी बारिश का भी सीज़न चल रहा था, वैसे आज धूप निकल ली है काफ़ी तेज़, तो आज का मौसम गर्म है। उसे नहलाने के बाद पहले मैं उसे ड्रायर से सुखा दूंगा, फिर थोड़ी देर धूप में खिला करके ले आऊँगा तो उसे कुछ नहीं होगा। बाकी गाइस आज हमारे 24 ब्लॉग पूरे हो चुके हैं, 30 ब्लॉग हमारे होने वाले हैं, 30 days = 30 ब्लॉग्स, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक 30 व्लॉग्स का जो माइलस्टोन होता है, एक माइलस्टोन ही समझ लो, एक महीने लगातार हमने व्लॉग किया है, एक दो महीने मतलब एक दो दिन का गैप होने के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी 5 दिन और बाकी हैं, फिर 30 days = 30 व्लॉग्स का एक व्लॉग बनाऊंगा मैं, तो उसमें कुछ स्पेशल बताऊंगा। और दूसरी बात, एक बहुत काम की बात ज़रूरी, कि अपना फेस रिवील अब हम 5000 पे नहीं करने वाले, अपना फेस रिवील अब हम करेंगे 3000 सब्सक्राइबर्स पे। 3000 होने में केवल 40 सब्सक्राइबर अभी बाकी हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं करा है, क्योंकि 3000 होते ही हम या तो लाइव आएंगे, लाइव पे आकर के करेंगे, वैसे लाइव नहीं आएंगे क्योंकि लाइव में वो वीडियो में मज़ा नहीं आ पाएगा, पहले फेस रिवील करेंगे एक वीडियो में उसके बाद लाइव आएंगे। और गाइस उसके बाद हम करने वाले हैं Q&A सेशन, तो अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप वीडियो बना करके भी भेज सकते हैं, मैं आपको मेल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वीडियो में पूछो या फिर ऐसे ही पूछो। हम 3000 सब्सक्राइबर होने के बाद जब फेस रिवील कर देंगे उसके बाद एक Q&A सेशन करेंगे जिसमें कि आपके जो सवाल होंगे उन सबको हम जवाब देने वाले हैं। गाइस वैसे फेस रिवील करने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है मेरे लिए कि मुझे पहले थोड़ा सा डर लगता था कि फेस रिवील पता नहीं यार अच्छा नहीं लगूंगा, मज़ा नहीं आएगा, लोग तो देखते नहीं है, पर अब जब से मैंने व्लॉग बनाने शुरू करे हैं, आप देख भी सकते हो मेरा पहला व्लॉग देख लो जाकर के, कितना मैं वाहियात लग रहा हूँ उसमें, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा कुछ, और अब देख लो कितने फ्लो में तेज़ी से बोल रहा हूँ, तो पहले व्लॉग में और 25वें व्लॉग में काफ़ी अंतर आ चुका है, कॉन्फिडेंस आ चुका है कैमरे के आगे खड़े होने का। तो बस एक रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, जैसा भी लगना है लगने दो, हमें केवल व्लॉग बनाना है, ये नहीं देखना हम भाई मॉडलिंग थोड़ी करना है, हम व्लॉग बनाना है। तो मैंने आपको जैसे बताया 3000 रुपये में पक्का अपना फेस रिवील करेंगे, आप जल्दी से अभी से मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दो, जो भी आपको पूछने मैं सबके रिप्लाई दूंगा भाई, सबके, चाहे 500 आए चाहे 400 आए, कितनी बड़ी वीडियो बने सबके रिप्लाई मैं दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ सबके रिप्लाई दूंगा। तो गाइज शेरा भी यहाँ पर सोया हुआ है, ये ऐसे ही सोता है कहीं ना कहीं घुस के, मतलब कमर पे ना दीवार की टेक होनी चाहिए या फिर गोदी चाहिए ऐसे, मतलब खुले में नहीं सोता, ऐसे ही सोता है। तो अभी मैंने इसे साफ़ कर दिया था,
गीले कपड़े से मैंने इसे साफ़ कर दिया। अभी नहलाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसे, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। तो गाइस अभी मैं लेकर आया हूँ शेरा को ऊपर पहली बार, तो आज पहली बार जो आया है पूरे कमरे को एक्सप्लोर कर रहा है, सूंघ रहा है अच्छे तरीके से। अरे सूंघ खड़ा क्यों हो गया? हाँ ये पता नहीं, वीडियो जब मैं बनाता हूँ ना वो हरकत नहीं करता, जो वीडियो ना बनाते हुए समय करता है। आ जाओ नीचे उतरो, आज बाहर जाने का गाइस मतलब ही नहीं है कुछ, सारे में बारिश बारिश पानी पानी हो रहा है और इसे पानी में ले आने से बचाना है, तो आज हो रहा है सारे में पानी पानी। हाँ क्या है क्यों चिल्ला रहा अभी तो? गाइस सुना तुमने? और अच्छा वो मुझ पर भौंक रहा है, इधर देखियो, इधर देख तू, इधर देख, अब इधर पिटाई करो, भौंक 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 के दिखा भाई। अभी से भौंक रहा है तो अग्रेसिव बनने वाला है बहुत ज्यादा। कैसे भौंक रहा है? दोबारा भौंकियो भौंकियो। तो गाइस देख रहे हो तुम, अभी 32 दिन का, अभी से इतना अग्रेसिव है, बड़े होके क्या करेगा पता नहीं, किसी की काट वाट ना ले यार। मतलब 32 दिन का बिल्ला मैंने पहली बार देख रहा है इतना तेज भौंक रहा है। ये हमारा कुछ बाहर का व्यू, आज बारिश होके सारे में मस्त हो जाता है, मैं कई बार दिखा चुका है आपको वैसे। मैंने देखना मौसम भी क्या मस्त हो रहा, सब बढ़िया हो रहा है एकदम हरा हरा हरा। तो अब मैंने थोड़ी देर के लिए शेरा को छत पर छोड़ दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी में भी यार इसे मतलब खेलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कभी इसे पानी सहन ही ना हो आगे चल के। ले ले कर रहा हूँ व्लॉग यहीं पर एंड, आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और शेरा भी यहाँ बैठ करके हड्डी खा रहा है। शेरा सबको बाय बोल दो, बाय बोल दो सबको। तो भाई ये तो लगा पड़ा है अपनी हड्डी खाने में। तो आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक कर देना। आने वाले समय में काफी अच्छे अच्छे व्लॉग भी आने वाले हैं, तो व्लॉग को लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको आगे भी इसी तरह के व्लॉग मिलते रहेंगे। तो आपसे मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।